जो नौ रूप दिखाया है तो उसमें जो बैल के ऊपर सवार दिखाया है, बैल के ऊपर जगदम्बा की बैल के ऊपर सवारी नहीं, जगदम्बा के जो नौ रूप दिखाया है हाँ जी, उसमें तो बैल के ऊपर सवार दिखाया है, इसका मतलब क्या है? बैल के ऊपर सवारी तो शंकर की दिखाई जाती है। शंकर में कहा जा सकता है कि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा प्रवेश है, ब्रह्मा वाली आत्मा के लिए बोला हुआ है। ये ब्रह्मा वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए कन्या माताओं के चार इनको कैसे दिया जावे, तो ओम राधे सरस्वती निमित्त बनाई दिए। तो जगदम्बा का टाइटल किसको मिला हुआ है? वास्तव में जगदम्बा कौन है? ब्रह्मा। जो जगत की माता है तो उसमें सबसे बड़ा गुण कौन सा होना चाहिए? सहन शक्ति। तो वो ज्ञान चंद्रमा जब प्रवेश करता है तो उसकी सवारी किसके ऊपर दिखाई जाती है? शंकर की सवारी किसके ऊपर दिखाई जाती है? बैल के ऊपर दिखाई जाती है। अब वास्तव में शिव थोड़े ही जानवर बुद्धि में प्रवेश करेगा, शिव जानवर बुद्धि में प्रवेश करेगा या मनुष्य में प्रवेश करेगा? मनुष्यों को सुधारने के लिए आवेगा या जानवरों को सुधारने के लिए आवेगा? मनुष्यों को सुधारने के लिए आता है, मनुष्य उनको कहा जाता है जो मन का उपयोग करते हैं, मनन चिंतनशील होते हैं। मनन चिंतनशील न हो तो मनुष्य कहेगा, मन का उपयोग करे तो मनुष्य, और मन बुद्धि का उपयोग न करे तो जानवर। बाबा एक मुरली में बताया, तुम बच्चे जानते हो तुम्हारा अभी कला ह्रास हो रहा है, तो उसका क्लारिफिकेशन देके बताया कि जब से सत्ययुग का पहला पत्ता जन्म लेता है तभी से कला ह्रास होता है। तो सत्ययुग का पहला पत्ता जन्म होने का मुरली में बताया 18 के आसपास जन्म हो गया। सत्ययुग का पहला पत्ता जो कृष्ण है बस 2018 के आसपास जन्म होगा, तो उसके बाद जो 1836 में सत्ययुग कंप्लीट सत्ययुग शुरू होगा, तो उसके बीच का समय जो हुआ 1836 तक, उस समय किसके लिए चढ़ती कला और किसके लिए उतरती कला होगी? जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे जन्म लेंगे उनकी भी उतरती कला तब होगी जब उनका कॉरोनेशन मनाया जाता है। राधा कृष्ण बच्चे जन्म से ही थोड़े ही, जब वो दुनिया बदल जाती है, संगम युग बदल कर क्या हो जाता है? सतयुग हो जाता है, तब उतरती कला होती है। और बाबा मुझे बोला है तो ज्ञानी तो आत्माओं को वहाँ रहने नहीं देते हैं, मतलब मधुबन में, तो कहाँ रहेंगे? सेवा के फील्ड में बढ़ाते हैं और कहाँ बढ़ाते हैं? जो ज्ञानी आत्मा है उसको सेवा की फील्ड में बढ़ाएंगे या मधुबन में रहने देंगे? सेवा की फील्ड में बढ़ाएंगे। और बाबा पवित्रता का क्या है? पवित्रता क्या है और असली पवित्रता क्या है? पवित्र अर्थात शक्ति क्षीण न हो, अपवित्रता अर्थात शक्ति क्षीण हो जाए। शक्ति क्षीण हुई जैसे पतित हुए, शक्ति पात हुआ, अब वो शक्ति चाहे दृष्टि की हो
चाहे कर्मेंद्रियों की हो चाहे वाचा की हो चाहे धन की हो और चाहे तन की हो, शक्ति क्षीण होती है तो कमजोरी आती है ना। कोई के पास बहुत धन है और धन छीन हो गया, नष्ट हो गया, तो हरासमेंट आवेगा या नहीं आवेगा? हरास पैदा हो जाता है। तो कोई भी प्रकार की शक्ति छीन तब होती है जब विचार दोष आता है। विचार भ्रष्ट बनाने वाला है, इसीलिए दिखाया है कि सचयुग में राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी और कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी। कोई प्रकार का व्यभिचार नहीं होगा। जितना जितना व्यभिचार बढ़ता जाता है उतना उतना विकार भोगने की इच्छा और ज्यादा बलवती होती जाती है। विषय विकारी जरूर बनेगा, इसलिए विषय विकार दिखाते हैं नीचे ले जाने वाले। इसलिए बाप सिखाते हैं मां में कम याद करो, मन मना भव। मैं गारंटी देता हूं अगर मुझे एक को याद करेंगे तो मैं तुमको पावन जरूर बनाऊंगा। एक के याद से ऊंचे उठेंगे, अनेकों की याद से नीचे गिरेंगे। अनेकों की याद भी कब आती है? आंखों से देखते हैं तो याद आती है, इंद्रियों से संग करते हैं तो याद आती है। न संग करेंगे और न याद आवेगी। जोर से बोलो। जब नई सृष्टि की शुरुआत हुई तो प्रसन्न सृष्टि का जो प्रसन्न महासागर का हिस्सा है वो छिटी पड़ा और चंद्रमा का रूप बन गया। जब नई सृष्टि की शुरुआत हुई, नहीं सृष्टि के अंत में जब विनाश होता है, जब खंडन होता है, जब खंडित होती है पृथ्वी, दो टुकड़े हो जाते हैं, चंद्रमा उपग्रह बन जाता है, पृथ्वी ग्रह है। जो उपग्रह होता है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर काटता है। तो ये कब होता है? सतयुग आदि में नहीं होता है, ऐसा द्वापर से होता है। दो खंड हो जाते हैं, खंडित तो हो जाती है धरणी, अनेक राज्य होना शुरू हो जाते, अनेक धर्म हो जाते, अनेक मत मतांतर बढ़ जाते। ये द्वापर की बात है, इसलिए उसको कहते हैं द्वापर। जो शक्ति स्टेज में स्वप्न होते हैं वो सच होते हैं। शक्ति स्टेज में जो स्वप्न होते हैं, स्टेज में जो स्वप्न होते हैं वो सच होते हैं।
और जो तामसिक स्टेज में स्वप्न होते हैं वो झूठे होते हैं। सोने के बाद किसी स्टेज को सात्विक और किसी स्टेज को तामसिक स्टेज कहेंगे। प्रातः काल में जो स्वप्न होते हैं वो मोस्टली सच्चे होते हैं, क्योंकि सवेरे का टाइम सात्विक होता है और रात्रि में 10 बजे से लेकर के 12 1 बजे तक का टाइम तामसी होता है, गंदा टाइम होता है, गंदे वाइब्रेशन छोड़ने वाला होता है। और दादा त्रेता के अंश में जब विनाश होता है तो चंद्रमा पृथ्वी से छिपक जाता है, तो स्थूल रूप में जो चंद्रमा और पृथ्वी उसके पहले मिक्स ही था क्या? अरे प्रशांत महासागर जो है वो इतना गहरा है कि उसकी आज तक था किसी ने नहीं ले पाई। तो चंद्रमा अटैच होकर के रहता है, द्वापर युग से चंद्र अलग और पृथ्वी अलग। और ग्रहों में भी ऐसे ही होता है, जैसे और धर्म हैं, पहले अद्वैत होते हैं, जैसे मुसलमान पहले शिया और सुन्नी दो नहीं थे, फिर बाद में दो हो गए, बौद्ध धर्म पहले एक ही बौद्ध धर्म था, बाद में क्या हुआ उनकी धारणाएं अलग अलग हो गई, धरणी अलग अलग हो गई। वो स्थूल धरणी है, यहां ज्ञान में चैतन्य धरणी है, कोई निमित्त मात्र अलग अलग पार्ट बजाने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म में हीनयान महायान दो संप्रदाय हो गए, वहां भी द्वैतवाद हो गया। क्रिश्चियन धर्म पहले सब क्रिश्चियंस बाइबल को मानने वाले थे, गिरजाघर को मानने वाले थे, बाद में दो हो गए, एक ग्रुप आज भी बाइबल को गिरजाघर को मानता है, आस्तिक है, आस्था रखता है, और दूसरा ग्रुप बाइबल और गिरजाघर को नहीं मानता, नास्तिक माना जाता है। तो ये सब धर्म वालों ने फॉलो किसको किया है? ब्राह्मणों में संगम युगी दुनिया में जो रीति रस्म रिवाज चला है वो ही फिर भक्ति मार्ग में फॉलो किया जाता है। पहले सूर्यवंश चंद्रवंश दोनों एक थे, भेद नहीं था, माना ब्रह्मा क्या बन गया, ब्रह्मा सो विष्णु बन गया, वैष्णवी शक्ति जो पहले चंद्रवंशी राधा थी वो बदल करके क्या बन गई, सूर्यवंशी लक्ष्मी बन गई, एक ही कुल रह गया सतयुग आदि में। तो ये होता ही है,
अगर अद्वैत बना रहे तो दुख आवेगा ही नहीं, उतरती कला होगी ही नहीं। और मुक्ति धाम को कैसे याद करें? बाबा कहते मेरे को याद करो, माम एकम याद करो, फिर कहते मुक्ति धाम को याद करो, फिर कहते एक को याद करो, फिर कहते सुख धाम को याद करो। तो अब एक को याद करें या तीन तीन चार चार को याद करें? है कैसे याद करें? साकार में याद करें। हाँ, उसमें निराकार है माना मुक्ति धाम वासी है, निराकार कहाँ करने वाला है? साकारी में आता है तो निराकारी स्टेज वाला है या नहीं है? है? तो जहाँ है वो लिंग रूप है या नहीं है? लिंग को लाल लाल दिखाते हैं ना, वो लाल रंग ही क्यों दिखाया, हरा रंग दिखा देते? लिंग जो बनाते हैं प्राचीन काल में, जो लिंग बनाया गया है लाल पत्थर का ही क्यों बनाया, काले पत्थर का बना देते? ये दर्शाने के लिए कि वो ज्योतिबिंदु निराकार शिव जहां कहीं भी है, जहां भी रहेगा निराकारी स्टेज में रहेगा, जहां रहेगा वो मुक्ति धाम है। अभी भी बहुत से बच्चे ये अनुभव करते हैं जो आस्थावान हैं, निश्चय बुद्धि विजयते की लिस्ट वाले हैं, वो अनुभव करते हैं कि बाबा का फोन आता है तो सब भूल जाते हैं। निसंकल्पी स्टेज क्यों बन जाती है? क्या कारण है? नेहरू जी जब भाषण देते थे तो जो अच्छे अच्छे विरोधी थे उनके, वो भी चेंज हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? ये प्रभाव से प्रभावित होने वाली बात। निराकारी स्टेज एक ऐसी स्टेज है जो सारी दुनिया को चेंज करती है। निराकारी दृष्टि, निराकारी वृत्ति सारी दुनिया को शांति धामवासी बनाने वाली है। इसलिए शिव जिस तन में प्रवेश करता है और वो तनधारी संपन्न स्टेज में जब संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है तो वो तन ही जैसे परम धाम है, मुक्ति धाम है, बाप का रहने का घर है। तो मुक्ति धाम को याद करो। जबकि कहते हैं मुक्ति धाम जड़ तत्व है, तो जिस तन में प्रवेश करते हैं वो जड़ है या चैतन्य है? शरीर तो जड़ ही होता है, उसमें रहने वाली आत्मा वो भी तमो प्रधान है, जड़ तुम्हें। फिर सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करता है तो वाइब्रेशन बनाता है। इसलिए वो निराकार शिव बाप भी है, जिस तन में प्रवेश करता है वो हमारा घर भी है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप की गोद ही उनका घर है, बड़ों के लिए घर नहीं है, किसके लिए घर है?
छोटे बच्चों के लिए घर है, तो बच्चा बन के रहने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए घर है। ऐसे ही सुखधाम भी है। श्रेष्ठ संकल्प चलेंगे, ज्ञान युक्त संकल्प चलेंगे तो वाइब्रेशन कैसा बनेगा? सुखदाई वाइब्रेशन बनेगा या दुखदाई बनेगा? सुखदाई वाइब्रेशन बनता है। उसी याद में जो भी रहेंगे वो भी सुख का अनुभव करेंगे। इसलिए पारसनाथ प्रसिद्ध है। पारस वास्तव में ऐसा कोई पत्थर नहीं होता है कि जिसको छू देने से लोहा सोना बन जाए। ये लोहे जैसी तमो प्रधान आत्माएं उसके संसर्ग में संपर्क में जब आती हैं तो पारसनाथ के संग में आकर सोने जैसी सच्ची बन जाती है, उसकी यादगार है। वो सुखधाम भी है, शांति धाम भी है। और हमारा शांति धाम में रहने वाला बाप भी है। अलग अलग है ही नहीं। मन को सेट करने की बात है। और बाबा मुसलमान लोक जो डाकुंट भगवान को डाकुंगुटी देखिए कान में कहीं ना। मुसलमान लोग जो अल्लाह को पुकारते हैं तो कान में अंगूठा देके क्यों पुकारते हैं? इसलिए पुकारते हैं कि ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ऐसे भी ब्राह्मण हैं बेसिक नॉलेज में जो कान में उंगली दे लेते हैं, किसी की बात सुनते ही नहीं। कहते हैं शिव बाबा को याद करो, अल्लाह मियां को याद करो, फालतू बातें हमसे न करो, हम तुम्हारी बातें सुनने वाले नहीं। तो संगम युग में जो काम करते हैं ब्राह्मण उनकी फालो वहां द्वापर युग में करने वाले पैदा हो जाते हैं। गाय काट के खाते हैं क्यों? यहाँ भी जो मुसलमान धर्म के ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण मुसलमान बनने वाले हैं, क्या जो ब्राह्मण मुसलमान बनने वाले हैं, मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, यहाँ ब्राह्मण होंगे ना कोई कोई ऐसे, तो वो ब्राह्मण जो कृष्ण की गौए हैं, क्या गोपाल कन्हैया गाया हुआ है ना, उस गोपाल कन्हैया की गऊओं को काट के खा जाते हैं। क्या खुद भी देह अभिमानी बनते हैं और गईयों को भी देह अभिमानी बनाए देते हैं, माना आत्मा अभिमान से नीचे गिराए देते हैं। फिर वो गऊ भी जन्म जन्मांतर मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होती रहेगी, खुद तो कन्वर्ट होने वाले हैं ही। और एनएसए में जो भी आत्माएं रहती है, एनएसए ना नया संगठन का नया संगठन है, तो उनके लिए माया नहीं आती है क्या? देखो एक होती है बिल्डिंग, बिल्डिंग जब बनाई जाती है तो सीधी बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं या पहले अंडरग्राउंड में फाउंडेशन डालते हैं? अंडरग्राउंड में फाउंडेशन डालते हैं। तो जो फाउंडेशन डाला जाता है वो फाउंडेशन बिल्डिंग की तरह है, सात्विक दिखाई पड़ेगा या उसमें हर तरह का माल अंदर में डाला जाता है? हर तरह की माल अंदर में डाला जाता है। अगर फाउंडेशन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, आदि अच्छा ही अच्छा हो, तो अंत भी अच्छा ही अच्छा होगा। इसलिए बाप कहते हैं कि मेरे वारसदार भी हैं,
बाप का राजी कहाँ होता है? आदि में होता है, मध्य में होता है या अंत में होता है? बाप के वारसदार बनेंगे तो आदि की बात है, मध्य की बात है या अंत की बात है? आदि की बात है। संगम युग में बाप के वारसदार भी है, बाप की प्रजा भी है और बाप के भक्त भी है। फाउंडेशन पड़ रहा है, इसलिए बोला राजधानी में हर तरह के चाहिए, अच्छे से अच्छे भी चाहिए और बुरे से बुरे भी चाहिए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि 100% दूध के धोए होते हैं फाउंडेशन में, नहीं, उसमें राजा क्वालिटी की भी आत्माएं हैं और दास दासी बनने वाले भी हैं और प्रजा क्वालिटी की भी आत्माएं हैं। पूरी राजधानी स्थापन होती है, लेकिन अभी राजधानी भी नहीं कहेंगे, राजधानी तब कहें जब पक्का फाउंडेशन पड़ जाए, पक्के सूर्यवंशी चाहिए और पक्के चंद्रवंशी चाहिए। अभी चंद्रवंशियों का फाउंडेशन है या सूर्यवंशियों का भी है? सूर्यवंशी है तो सूर्यवंशी सूर्यवंशी है, इसलिए पक्का फाउंडेशन नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये कह सकते हैं कि उन सूर्यवंशियों में भी कोई चंद्रवंशियों का भी 100% मणका है, श्रेष्ठ है, जिसके द्वारा फाउंडेशन पड़ता है। चंद्रवंश का भी पड़ता है तो सूर्यवंश का भी पड़ता है। बाकी ऐसे नहीं है कि अभी कोई स्वर्ग स्थापन हो गया। स्वर्ग ऊंची स्टेज का होता है या अंडरग्राउंड होता है? ऊंची स्टेज का होता है। सारी दुनिया अनुभव करेगी तब तो भक्ति मार्ग में गाएगी। मुसलमान गाएंगे अपने शास्त्रों में जन्नत, क्रिश्चियन लोग गावेंगे पैराडाइज, हिंदू गाते हैं बैकुंठ। तो सारी दुनिया में प्रत्यक्ष होना है वो तो। और लिम्पायमान का सराबोर हो जाना, जैसे आदमी पानी में डूब जाए या कीचड़ में डुबो दिया जाए कोई चीज, तो चारों तरफ उसमें कीचड़ ही कीचड़ लगी हुई है, उसे कहते हैं कीचड़ से लिम्पायमान हो गया। और वहाँ खाली जो शंकर के ऊपर छाती के ऊपर जो पांव रखे हैं, तो उसकी कौन से अज्ञानता के कारण ये ऐसा है? उनके कौन से अज्ञानता के कारण ये कुछ शंकर के छाती के ऊपर वो पांव रखे हैं? इसीलिए रखे हैं। जगत पिता है ना, जगत पिता की तो सारी दुनिया बच्चे है। जो बच्चे है, जो घर परिवार है, उस परिवार में सब बच्चों का विनाश होने लगे तो क्या कहेंगे? बाप स्थापना नई दुनिया की करने आया है या विनाश करने आया है? बाप तो स्थापना करने आया है, लेकिन खुद विनाश नहीं करता। किसके द्वारा कराता है? शक्तियों के द्वारा विनाश कराता है। तो शक्तियों की बुद्धि को प्रेरित करता होगा, है? शक्तियों को प्रेरणा मिलती होगी कि विनाश करें। तो आसुरी सृष्टि का जब विनाश करती है तो अहंकार चढ़ जाता है। उस अहंकार में आकर के जो असुरों का बाप है उसकी भी अवहेलना कर देती है। असुरों का बाप कौन है? अरे देवताओं का बाप है तो असुरों का बाप कौन है? हैं? जो भी असुर है दुनिया में और जो भी देवताएं हैं उनके बाप आप कौन है? एक ही है, एक ही बाप है, एक ही माँ है।
लेकिन माँ के लिए कहा जाता है जब सिंगल है, सिंगल देवी की पूजा करते हैं तो कहा जाता है जो असुर है, राक्षस है, वो देवी की पूजा करने वाले हैं। लेकिन सिंगल शिवलिंग की जब पूजा करते हैं तो नहीं कहते हैं तो राक्षसों का बाप है। तो जो छाती के ऊपर पांव रखा हुआ है काली ने, और जो पुराने पुराने चित्र दिखाए जाते हैं, उन चित्रों में ध्यान से देखा जाए तो पांव भले देखने में आता है छाती के ऊपर है, लेकिन मस्तक में शंकर की मूर्ति रखी हुई है, माने अंदर से याद है बाप की। इसलिए बोला कि कर्नाटक जोन को नाटक करने वाले माँ बाप अच्छे मिले हुए हैं। तुम बाप दादा को अलग अलग करेंगे वो फिर एक हो जाएंगे। ये सब नाटकबाजी है। और बाबा अपने सीट पर सेट हो जाना है, इसका मतलब क्या है? सीट पर सेट हो जाना माना अपने स्वरूप को पहचान लेना कि मेरा पार्ट ये है। जो अपने स्वरूप को पहचान लेगा देवताई रूप को, सीट पर सेट हो जाएगा तो फिर वैसी ही एक्ट करने लग पड़ेगा। और बाबा शांति धाम और सुख धाम तो एक ही है, लेकिन एक कैसेट में बताया सत धाम दो है, एक है शांति धाम एक है सुख धाम। दोनों सत्य हैं, सत्य माने सच्चे, इसलिए दोनों को सत्य धाम कहेंगे। सत्य धाम माना जो शांति धाम है वो भी सच्चा है, और जो सुख धाम है वो भी सच्चा है, वहां झूठ का नाम निशान नहीं दोनों में। लेकिन इधर प्रश्न क्या है, मतलब एक तो है लेकिन फिर दो क्यों बताया? दो इसलिए बताया कि जो शांति धाम है वहां शांति देवा बाप बैठा हुआ है। क्या वहां मुखिया कौन है? बाप है, माँ की बात नहीं है। माँ साकारी होती है इसलिए उसकी बात नहीं, और बाप निराकारी होता है, वो निराकारी धाम का मुखिया है। और जहां सुख धाम होगा वहां माँ बाप दोनों ही चाहिए, एक चाहिए, दोनों ही चाहिए, वो प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में होता है सुख धाम, जहां तपस्या करेंगे वहां प्रवृत्ति की दरकार नहीं है। प्रवृत्ति में दुख भी होता है और प्रवृत्ति में सुख भी होता है। सुख तब होता है जब आप्य विचार होता है, आप व्यभिचारी प्रवृत्ति है तो सुख धाम है, और व्यभिचारी प्रवृत्ति है तो दुख धाम है। शांति धाम में प्रवृत्ति ही नहीं तो सुख और दुख की बात ही नहीं, शांति ही शांति लगी पड़ी। इसलिए बोला तुम बच्चे परम धाम को इस षष्ठी पर उतार लेंगे, माना इस षष्ठी पर ही कोई बच्चों का ऐसा संगठन होगा जहां सब निराकारी स्टेज में होंगे, कोई देवान की स्टेज में नहीं होगा। जब देवान की स्टेज ही नहीं होगी तो स्त्री पुरुष का बान ही नहीं होगा, आत्मा आत्मा सब आपस में भाई भाई। और जब नई दुनिया शुरुआत होगा जो नई दुनिया शुरुआत होगा उनसे पहले जो विजयमाला, सभी विजयमाला दिल्ली में रहें क्या, और सभी रुद्रमाला माउंट में रहें क्या, ये दोनों बैंड कैसे हो सकती है? नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, सैंपल यज्ञ के आज में ही दे दिया कराची में। कराची में जो रहे पड़े थे और वहीं कराची में चारों ओर आग लगी पड़ी थी, खून की नदियां बह रही थी। तो नरक की दुनिया अलग, मारकाट ही मारकाट, और स्वर्ग की दुनिया अलग। सुख शांति से रहे पड़े थे,
कोई प्रकार की दुख अशांति महसूस नहीं हो रही थी, ऐसे ही होगा। सिर्फ अंतर ये होगा, वो मॉडल था जड़, छोटा रूप। जैसे कोई मकान बनाया जाता है तो पहले मकान का छोटा मॉडल बनाया जाता है ऐसे, और अभी जो दुनिया आने वाली है वो ब्रॉड बड़े रूप में सुखधाम स्थापन होगा। और वो प्रश्न है, वो जो दिया है प्रश्न है, हैं वो जो दिया है कागज उसमें प्रश्न है। स्वप्न और स्वप्न साक्षात्कार और संकल्प, ये पूर्व जन्म से नुदे हुए पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर संकल्प आते रहते हैं, स्वप्न भी आते रहते हैं और साक्षात्कार भी होते रहते हैं। जिन्होंने नौदा भक्ति की है उन्होंने साक्षात्कार भी किए थे, तो यहां भी वो रेल घूम सकती है। दुष्ट संकल्प आते हैं, पूर्व जन्मों में दुष्ट कर्म किए हैं, तो उस आधार पर दुष्ट संकल्प भी आते हैं, फिर स्वप्न भी आते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, स्वप्न में जो क्षीणता आती है शक्तिपात होता है। कहेंगे कि संपन्नता नहीं आई है, लेकिन कोई पाप नहीं बनता है कर्म इंद्रियों से। इतनी निशानी मिल रही है कि हमारे संकल्प अभी शुद्ध नहीं हुए हैं। संकल्पों में शुद्धि आ जाएगी तो स्वप्न भी अशुद्ध नहीं आवेंगे, शक्तिहीनता नहीं फील होगी। और सुखधाम दो है, एक है शांतिधाम एक है सुखधाम, और शांतिधाम है शिव का और सुखधाम है कृष्ण का। तो जैसे शिव का जो रथ होता है वो धाम होता है, ऐसे कृष्ण का इधर आत्मा कौन और कृष्ण का धाम क्या है, कौन सा रथ है? कृष्ण की बुद्धि किस में रमी रहती है? कृष्ण की बुद्धि किस में रमी रहती है? अरे कृष्ण की बुद्धि राधा में, कृष्ण की बुद्धि राधा में रमी रहती है। तो जो राधा है और जो कृष्ण है वो ही धारणा रूपी धाम बनाते हैं। सबसे बड़ी धारणा है आप व्यभिचार, जो स्वर्ग में होता है। नरक में नहीं होता है, यह नंबर वार होता है, लेकिन 100% नहीं होता है। सुख भोगना, सुख में रहना और शांति में रहना, दोनों में ऊंची स्टेज कौन सी है? सुखधाम ऊंची स्टेज है। सुख में आने से नीचे गिरते हैं या नहीं गिरते हैं? है?
सुख में आने से सुख भोगने वाली इंद्रियां बनती है, क्योंकि इंद्रियों से ही सुख भोगा जाता है। बल ज्ञान इंद्रियों का श्रेष्ठ सुख भोगते हैं, लेकिन नीचे तो गिरते हैं। और शांति धाम की स्टेज में रहने से नीचे गिरना नहीं होता है, वो बाप का धाम है, वो विष्णु धाम है। घंटा घंटा धरी कान नाक मोड़नी खाली भक्ति जो इस काली युग में वो घंटे घंटे लेकर के वो माला जप करके भगवान को डाकते हैं, वो किस धर्म की आत्मा है? किस धर्म की आत्मा? क्यों, वो सनातन धर्म के भी हो सकते हैं, दूसरे धर्म के भी हो सकते हैं। दिखाने के लिए माला भटक रहे हैं, अंदर से ये भाव भरा हुआ है कि कोई हमको पैसे दे जाए। तो चोर धर्म के भी हो सकते हैं, हाँ। बाबा तो जोगिनी बहन कौन है? जोगिनी बहन वो है जो आज से लेकर के अंत तक एक के सहयोग में रहने वाली है। जो सहयोगी सो योगी, जो योगी सो सहयोगी। जो 100% योगी होगा वो 100% सहयोगी जरूर होगा। इसलिए अष्टदेव नुदे हुए पार्ट के आधार पर, लेकिन उनमें भी फिनिशिंग के बतौर नंबर वार है, एक जैसे सहयोगी नहीं है। तो जो अव्वल नंबर सहयोगी है कोई तो होगा। अरे 500 करोड़ की दुनिया है, उस 500 करोड़ की दुनिया में आदि से लेकर के अंत तक सहयोगी बनने वाले अष्टदेव, उन अष्टदेवों में भी अलग अलग धर्मों में आखिरी जन्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊंचे कैसे गिने जाएंगे? नीचे तो गिरना ही है, लेकिन जो नीचे गिरना है उनमें कौन किस धर्म में गिरता है? कोई थर्ड क्लास धर्म में जाके गिरता है और कोई फर्स्ट क्लास में रहता है, कोई सेकंड क्लास में गिरता है। तो सूर्यवंश के बाद दूसरा नंबर कौन सा धर्म है? चंद्रवंश। इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, ये श्रेष्ठ नहीं कहे जा सकते उसके मुकाबले। इसलिए चंद्रवंश में जो अष्टदेवों में से जो मन का चंद्रवंश में गिरता है वो योगी है। योगिनी नाम रूप धारिक है, इसलिए योग लगाने वाला होगा तो तेजवान भी होगा। तेज को कहा जाता है काश्य, उस तेज को धारण करने वाली नगरी का नाम क्या है? काशी नगरी। इसलिए भक्ति मार्ग में एक ही नगरी प्रसिद्ध है, शिवकाशी जिसे कहते हैं, जहां गंगा आकर के तलवार का रूप धारण करती है, जब वर्मा नदी से मिलती है तो वाराणसी कही जाती है। असी मन तलवार और वरुणा, अरुण और वरुण, अरुण माना
सूर्य और वरुण, ये दोनों साथ ही माने जाते हैं। दोनों की जैसे युति है, प्रवृत्ति है, इसलिए आदि से अंत तक बेसिक में हो और चाहे एडवांस में हो, औरों के मुकाबले जो सबसे जास्ती सहयोगी बनकर रहता है वो योगिनी बहन है। कहे वैसे भी तो कहेंगे ना सहयोगी, क्योंकि 30-33 साल एडवांस के हो गए, इतने लंबे समय में भी सहयोगी के रूप में प्रत्यक्ष नहीं हो सकी, भले अंत में आएगी, लास्ट सो फास्ट जाएगी, लेकिन अभी फाउंडेशन में जरूरत है, तो जरूरत के समय जो कार्य को पूरा करे उसकी विशेषता मानी जाती है, और फिर भी चंद्रवंशी राधा कही जाएगी, और जगदम्बा वो तो पार्टी अलग हो जाता है। जगत पिता का पार्ट अलग और असुर संगायणी का पार्ट अलग, असुर संगारी भगवान नहीं गाया जाता है, पुरुष रूप नहीं गाया जाता है, कौन सा रूप गाया जाता है, महाकाली का रूप असुर संगायणी का गाया जाता है, शक्तियां निकलती है, ढेर की ढेर भुजाएं निकलती है, जो असुरों का पराभव करती है, नीचे गिराती है। किस बात से नीचे गिराती है, है? उनके पवित्रता से नीचे गिराई देती है, खुद अपनी स्टेज पर रहती है, एक की याद में रहती है, लेकिन असुर को नीचे गिराई देती है, नीचे गिराती है तो उनका पद भी नीचे गिर जाता है। बाबा छोटा पिला जो सोचा होता रे, बड़े बड़े हसन दिखाएंगे या कांदन दिखाएंगे, तो छोटा बच्चा जो होता है वो सोने के टाइम पे हंसता क्यों रहता है, वो अपने पूर्व जन्म की स्मृति में रहता है, सूक्ष्म शरीर में रहता है, सूक्ष्म शरीर से दुनिया में विचरण करता है, इसलिए वो कभी हंसता है और कभी रोता है, बाहर के वातावरण जो आंखों से देखता है उससे हो हंसता हंसना रोना नहीं होता, उसकी अपनी अंदर की दुनिया है, वो सूक्ष्म शरीर के आधार पर हंसना और रोना करता है। और सच्ची पवित्रता क्या है और उसका प्रूफ कैसे लिया जाए, प्रूफ कैसे दिया जाए, आप बेविचारी रहते हुए प्रूफ दिया जाए, शिव बाबा आया हुआ है तुम्हारी सजनी बनने के लिए, देवान आया, मैं तो पुरुष हूं, मेरी सजनी कैसे बनेगी, तब फिर याद आती है किसी दूसरे की, और जहां द्वैत आया वहां पराभव होगा, एक से उत्थान और द्वैत से पतन। और बुद्धि फिर भी वहीं चलती है, शांति धाम और सुख धाम है, शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वो है संभव जी कृष्ण आत्मा,
और कृष्ण का जो धाम होता है वो शंकर जी कृष्ण का जो जिसके स्मृति रहते वो है राधा की आत्मा। मतलब किसमें प्रवेश करते हैं? शंकर जी कृष्ण की आत्मा है, है? मतलब प्रजा पिता ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, है? वही तो शंकर जी कृष्ण होते हैं, है? और दूसरा होता है सुख धाम, मतलब कृष्ण की धाम, है? तो संगम जी कृष्ण जिसके स्मृति में रहता है वो है राधा, मतलब नारी से लक्ष्मी बनने वाले, तो ऐसे तो बताया गया। संगम जी कृष्ण किसकी स्मृति में रहता है? राधा की स्मृति में रहता है। राधा की स्मृति में कृष्ण रहता है? हाँ जी। कौन सी राधा? ओम राधे राधा, या जो बैकुंठ की दुनिया बनेगी उसमें जो चंद्रवंशी राधा निकलेगी उस राधा की बात कर रहे हैं? राधा चंद्रवंशी होगी और कृष्ण सूर्यवंशी होगा, कौन सी राधा की बात करते हैं? जो नारी से लक्ष्मी बनने वाली है वो तो चंद्रवंशी राधा है। ज्ञान चंद्रमा के स्थापन किए हुए नक्शे कदम पर चलने वाली है, ज्ञान सूर्य को तो अभी पहचानती भी नहीं। हाँ, तो किसकी स्मृति में, कौन से किसकी स्मृति में रहते हैं? वो तो मुरली में बोला हुआ है बिंदु को याद करो, तो बिंदु को ही याद करेगी। मुरली में जो ब्रह्मा के मुख से मुरली चली है उसमें कहीं आया है कि साकार में निराकार को याद करो? तो उसके याद करने के दो ही रूप हैं, इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है तो ब्रह्मा को याद नहीं करेगी, लेकिन बाप को याद करना है तो बाप, तो बेसिक नॉलेज वालों की बुद्धि में बाप कौन है? बिंदु, तो बिंदु को याद करती है। और अभी जो बताया कि जो सुख धाम है, है कृष्ण की आत्मा राधा में डूबे रहते, राधा की स्मृति में रहते। अरे जो कृष्ण है वो कृष्ण राधा को मानता ही कहाँ है? वो गीता का, गीता किसको मानता है? कौन सी गीता को कृष्ण वो झूठी गीता बनाया हुआ है? कृष्ण की बुद्धि में तो सच्ची गीता और झूठी गीता की बात ही नहीं है। अभी कृष्ण वाली जो आत्मा है उसकी बुद्धि में गीता का भगवान बैठा हुआ है क्या? उसकी बुद्धि में तो अभी गीता का भगवान बैठा ही नहीं है। जब बैठेगा कि गीता सच्ची कौन है और झूठी गीता कौन है? सच्ची गीता है तो नारी से लक्ष्मी बनती है, झूठी गीता है तो नारी से लक्ष्मी नहीं बन सकती। जगदम्बा का टाइटल लेकर रह जाती है। तो जब बात बुद्धि में बैठे तब तो स्वर्ग की स्थापना हो। जिस सेकंड ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा उस सेकंड बुद्धि में क्या बैठेगा? गीता का भगवान कौन? शिव शंकर भोलेनाथ। इससे पहले सुखधाम की रचना नहीं हो सकती। बाबा तेरे प्रतिकला तेरे मान सबका भला है, और माया पहले बुद्धि से शरण होगी, तो अभी तक तो कोई शरण नहीं हुए। माया नहीं हुए, माया पहले बाप को शरण होगी बुद्धि से, तो अभी तक तो बच्चे ने शरण नहीं हुआ है। बच्चों को तो शरण बुद्धि नहीं कहेंगे क्योंकि बुद्धि से कोई शरण हुआ नहीं, अभी तक माया तो हुआ नहीं। तो अभी रुद्रमाला के मन के निकले हैं, रुद्रमाला के मन के बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, तो बुद्धि चलाएंगे कि नहीं? चलाएंगे, तो बुद्धि चलाने वाले हैं, वो बुद्धि को कैसे सरेंडर कर दे?
माया शरण होगी तो ये कौन साल की बात है, बात कब की बात है? अंति की बात है तो अंत तक बच्चा ऐसे भूल जलाएगी। अच्छा और क्या, जब तक देवान न जले तब तक जलाएगी ना, तो सरेंडर बुद्धि बनेगी नहीं? और नहीं बनेगी बच्चे। बच्चे सरेंडर बुद्धि पहले बन जाए तो सर्वशक्तिवान नहीं बन जाएंगे? सर्वशक्तिवान का टाइट ही नहीं बच्चों को बन जाएगा। सर्वशक्तिवान माने वो अपने से आगे और किसी को नंबर लेने नहीं देगी सर्वशक्तिवान बनने में, नहीं तो कम शक्तिशाली बन जाएगी। उसको टक्कर लेनी है किससे? है बाप से टक्कर लेनी है, तो बाप के मुकाबले तो और कोई है ही नहीं। बाबा गंगा काशी में आकर के तलवार का रूप धारण करता है। हाँ जी, तो जो गंगा अंत में आएगी तो पहले योगिनी बहन से ज्ञान प्राप्त करके पावरफुल बनेंगे या डायरेक्ट बाप से मिलेंगे? अरे भक्ति मार्ग में जब दिखा दिया है कि गंगा यमुना से बाद में मिलती है, वो गंगा यमुना से पहले मिलती है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में गंगा किससे मिलती है? यमुना से। और फिर बाद में आकर के वाराणसी में आकर के बरमा नदी से मिलती है। जब बरमा नदी से मिलती है तब तलवार का रूप धारण करती है। उस स्थान का नाम पड़ा है वाराणसी। तो जो भक्ति मार्ग में गायन है वो कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है। ये तो ऊंची ऊंची नदियों के नाम है। गंगा यमुना सरस्वती लक्ष्मी महाकाली और जो भी इनका ऊंचापन है वो पहले प्रत्यक्ष हो जाता है क्या? कि बाप के ज्ञान के आधार पर प्रत्यक्ष होता है? बाप का ज्ञान ही उनको प्रत्यक्ष करता है। लेकिन वो बाप को नहीं प्रत्यक्ष कर पाती पहले। बाप को प्रत्यक्ष करने वाले पहले बाप के बच्चे निकलते हैं। कौन से है? कौन से बच्चे? अरे बाप समान बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि कोई दूसरे प्रत्यक्ष करेंगे? बाप समान बच्चे ही प्रत्यक्ष करेंगे। तो गंगा है, यमुना है, सरस्वती जगदम्बा है, लक्ष्मी है, ये बाप समान की स्टेज को पाने वाले हैं या उसके मुकाबले कुछ नीचे स्टेज है? है बाप समान की स्टेज को पाते हैं। अगर बाप समान स्टेज हो तो सूर्यवंशी कहे जाए। राधा जो लक्ष्मी कही जाती है वो सूर्यवंशी है मूल रूप में नहीं है। और जगदम्बा जो महाकाली बनती है जिसके मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है वो सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है? वो भी चंद्रवंशी। और यमुना सूर्य पुत्री तो है लेकिन वो भी महाकाली के प्रभाव में आ जाती है, काली नदी कही जाती है। तो चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो चाहे सरस्वती हो
चाहे लक्ष्मी हो, ये जो भी नदियां हैं, ऊंची स्टेज से उतरने वाली है और नीची तरफ बहने वाली है, सिर्फ एक नदी को छोड़ करके, जिसे कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। वो ऊंची ही ऊंची पर्वतीय स्टेज पर बहती रहती है, अंत में जाकर नीचे उतरती है। और जो ग्रुप कराची में दबाया हुआ है कोई जमीन के नीचे, हाँ जी, वो अंत में निकलेगा क्या? कोई ग्रुप के दबाया हुआ है तो जरूर निकलेगा, नहीं तो ड्रामा प्लान अनुसार दबाया ही क्यों जाता, जला दिया जाता। मुसलमान लोग जो है वो दो ही काम करते हैं, या तो भारत के शास्त्रों को भाड़ों में भून देते हैं और या तो जमीन में गाड़ देते हैं या नदी में फाड़ के फेंक देते हैं। तो न नदी में फाड़ के फेंका, न फाड़ करके जमीन में गाड़ा, सुरक्षित करके गाड़ दिया ना। तो ये बुद्धि किसने दी? टाइम आएगा तो निकलेगा, अभी तो बहुत बहुत बड़े बड़े राज है, क्लियर होंगे ना आगे चलकर। सारी पढ़ाई पहले ही पढ़ा देवे तो आगे चल के क्या पढ़ावेंगे। बाबा कोई दादी ने इसको इसके राज को जाना है, जो वो दादी अंत तक शरीर धर के रहेंगी क्या? है कोई दादी इसके बारे में जाना है ना? है वो दादी अंत तक शरीर रहते बताएंगे क्या? मैंने सब मर जाएंगे यार। कोई आत्मा चाहता है अभी आपके साथ सेवा करने के लिए चले, तो क्या अभी चल सकता है क्या? किसी के पास बहुत पैसे हैं, क्योंकि ट्रेन का टिकट बनाया जाता है तो ज्यादा पैसा लगता है और पहले से रिजर्व किया जाता है तो थोड़े पैसे लगते हैं, हो सकता है 1 रुपए का भी टिकट बन जाए। अरे कोई तन से स्वतंत्र है, कोई तन से स्वतंत्र नहीं है, धन की भी स्वतंत्रता होती है, धन का बंधन भी होता है, तन का भी बंधन होता है, तन का स्वतंत्रता भी होती है, फिर संबंधियों की भी स्वतंत्रता होती है, संबंधियों का बंधन भी होता है, सब प्रकार से निर्बंधन है। और फिर सबसे बड़ी बात, बाप के साथ वो ही रह सकेंगे अंत तक जो पूरे मरे हुए होंगे, नहीं तो थोड़ा समय साथ निभावेंगे वे रफु चक्कर हो जावेंगे। और बाबा बोलिए, बोलाए मैं अपने समय पर आते ही आता हूँ, ये भक्ति मार्ग का पाठ है, यह भक्ति मार्ग का भी पाठ है। जब भक्ति मार्ग का पाठ पूरा होता है जिसका और जिस स्थान पर पूरा होता है तो मैं आया हुआ हूँ, तो इसका अर्थ क्या है? इसका भक्ति मार्ग पूरा हुआ तो ज्ञान मार्ग शुरू नहीं होगा? बाप जिस स्थान पर आता है, बाप जिस स्थान पर आता है भक्ति मार्ग का पाठ पूरा हो जाता है, जिस स्थान पर आता है, स्थान की बात थोड़ा ही है, वो व्यक्ति में आता है कि स्थान में आता है? व्यक्ति में आता है, उसी व्यक्ति की भक्ति पूरी हुई होगी तो प्रवेश करेगा। टाइम हो गया।